हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में बात करूंगा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में देखिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सीधा सा फंडा है कि देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको होमो हेट्रो पता होगा, तो गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या होमो सिर्फ दिया है, क्या सिर्फ होमो दिया है या होमो के साथ हेट्रो दिया है, क्या सिर्फ होमो दिया है या होमो के साथ हेट्रो दिया है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर सिर्फ होमो दिया है, होमो दिया है, तो यहाँ पे क्या डोमिनेंट होमो सिर्फ दिया है, डोमिनेंट दिया है या रिसेसिव दिया है, रिसेसिव क्या दिया है, किस तरीके से पूछा है, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर डोमिनेंट दिया होगा तो ये आपको दिया होगा, दैट इज द पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को आपको करना है नंबर, जो नंबर दिया होगा, नंबर डिवाइडेड बाय टोटल, ये हो जाएगा पी स्क्वायर। इससे कैलकुलेट करेंगे आप जो नंबर दिया होगा क्वेश्चन में, या क्यू स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, नंबर अपॉन टोटल जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। अब पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर, एंड क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट क्यू स्क्वायर। यहां से पी कैलकुलेट कर लेंगे तो क्यू हो जाता है यहां से पी वन माइनस पी, और यहाँ पे ये होता है वन माइनस पी, और यहाँ पे क्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये पी हो जाएगा वन माइनस क्यू। क्योंकि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू वन। अब ये पी क्यू टू क्या है, ये अभी बताने की कोशिश करता हूं। होमो और हेट्रो की बात करते हैं। होमो और हेट्रो की बात करेंगे जब अगर आपके होमो का भी नंबर दिया हो और हेट्रो का भी नंबर दिया हो। तो अब देखिएगा, इसमें आपको पी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि होमो डोमिनेंट, होमो डोमिनेंट का नंबर, होमो डोमिनेंट का जितना नंबर दिया उसका प्लस हाफ ऑफ द हेट्रो, हेट्रो का हाफ कर दीजिए, डिवाइडेड बाय द टोटल, दिस इज व्हाट द पी। अगर क्यू की बात करें तो क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द होमो रिसेसिव, होमो रिसेसिव प्लस हाफ ऑफ द हेट्रो, हाफ ऑफ द हेट्रो डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज व्हेन द होमो एंड हेट्रो बोथ आर गिवन, जब दोनों गिवन रहेंगे तब। अब पी क्यू ये सारी चीजें क्या है, देखिएगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछे जाते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। ये क्या है जी, ये क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, सी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, जब ए होता है कैपिटल ए एलील, इसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी इसको डिनोट करते हैं पी से। स्मॉल एल इसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी इसको डिनोट करते हैं क्यू से। कैपिटल ए, कैपिटल ए इसको जो डिनोट करते हैं पी इन टू पी, दैट इज द पी स्क्वायर, ये बनता है एक। उसके बाद आता है दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल ए ये भी बनता है एक, इसको कहते हैं क्यू इंटू क्यू, दैट इज द क्यू स्क्वायर। उसके बाद आता है कैपिटल ए स्मॉल ए, ये बनता है दो, इसको लिखते हैं टू इंटू पी इंटू क्यू। आप देख सकते हो कैपिटल ए का क्यू था, स्मॉल ए का क्यू, तो ये होता है टू पी क्यू। ये सारे क्या है, ये है जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी, ये है जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी। इज इट क्लियर, ये यहां तक क्लियर है जी। चलिए हार्डी वीनबर्ग इस एजम्पशन के बारे में बात करते हैं, हार्डी वीनबर्ग एजम्पशन, हार्डी वीनबर्ग एजम्पशन के बारे में बात करते हैं। हार्डी वीनबर्ग एजम्पशन किस लिए किया गया था, याद रखे रहिएगा, इन्होंने ये बोला था कि एलिलिक फ्रिक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, नो चेंज, हमेशा याद रखिएगा, नो चेंज पे इन्होंने दिया था, नो चेंज की बात करी थी, नो चेंज पे बात किया था, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए वो उन्होंने बताया थे, एजम्पशंस क्या क्या होने चाहिए। पहला एजम्पशंस डिप्लॉयड होना चाहिए, ठीक है,
डिप्लॉयड होना चाहिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होना चाहिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होना चाहिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होना चाहिए, ठीक है। ऑटोसोमल जीन से रिलेटेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑटोसोमल जीन से रिलेटेड होना चाहिए, ऑटोसोमल जीन से रिलेटेड होना चाहिए। ये तो कुछ बेसिक थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या था, लार्ज पॉपुलेशन साइज, क्या था इंपॉर्टेंट वन, लार्ज पॉपुलेशन साइज, लार्ज पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज बड़ा होना चाहिए। मेटिंग कैसा होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए, कैसा मेटिंग होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए। यहाँ पे कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे नो के बाद में म्यूटेशन, कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, ये तब जब चेंज नहीं होगा। एंड मेल इज मस्ट बी इक्वल टू द फीमेल, ये कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने एजम्पशंस रखे थे। दीज आर व्हाट, दीज आर द एजम्पशंस, ये एजम्पशंस हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं होने के लिए। अगर चेंज करना होगा तो इन्हीं का उल्टा हो जाएगा, अगर चेंज करना होगा तो इन्हीं का उल्टा हो जाएगा। इज इट क्लियर, चलिए ग्रेट। सो ये सारी चीजें हार्डी वीनबर्ग एजम्पशंस के बारे में बात आती है। एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट, एक दो एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे। वो एग्जांपल्स क्या है, क्वेश्चन के तौर पे समझने की कोशिश करिएगा कि जस्ट सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि दैट इज द 10 in 1000 इज अफेक्टेड फ्रॉम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इज अफेक्टेड From affected from autosomal recessive disorder, autosomal recessive disorder, autosomal recessive disorder से हो रहा है, ठीक है। So what will be the P and Q? देखिएगा ये autosomal recessive दिया हुआ है, autosomal recessive दिया हुआ है तो इसको आपको सीधे पता चल जाएगा Q square calculate करना है recessive के लिए। Q square calculate करेंगे क्या हो जाएगा, 10 number upon total, number upon total 10 upon 1000, that is what the 1 upon 100, ये आ जाएगा number upon 1, 10 upon 1000, ये था Q square, तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा under root 1 upon 100, that would be 1 upon 10, ये under root 1 upon 100 को क्या करेंगे, 1 upon 10, that is equal to 0.1, Q आ गया 0.1, तो P क्या आ जाएगा, P आ जाएगा 1 माइनस क्यू, दैट इज व्हाट द 1 माइनस 0.1, दैट इज द 0.9। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो लगा के जब आपके पास ये वैल्यूज दी हुई हैं। चलिए एक बार देखने की कोशिश करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी का दूसरा पार्ट बता देता हूँ। क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं जब दिया हो दोनों पार्ट, क्या दिया हो, उन्होंने ए के फॉर्म में बी के फॉर्म में कैसे भी दे सकते हैं हेटरोजाइगस का फॉर्म, कि चलिए ब्लड ग्लूकोज या कहीं पे कुछ इस तरीके से रहा कि इन अ पॉपुलेशन की बात करते हैं, इन अ पॉपुलेशन दैट इज व्हाट, देखिएगा कैपिटल बी बी, कैपिटल बी बी इज 600, कैपिटल बी स्मॉल बी इज द 400 एंड स्मॉल बी इज द 200, व्हाट इज द पी एंड क्यू। और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल बी क्या होगा। चलिए अगेन देखिए इसमें क्या दिया हुआ, केस देखिए, केस कौन सा है, होमो प्लस हेट्रो, होमो प्लस हेट्रो का केस है, तो सीधा सीधा मैं पहले पी निकालता हूं कैपिटल बी के लिए, तो उसके लिए इसका नंबर दैट इज व्हाट होमो डोमिनेंट का नंबर प्लस हाफ ऑफ द हेट्रो का नंबर 400 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज द 1200, 1200 आएगा, 600 प्लस 200, 800 बटे 1200, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, 800 बटे 1200 जब सॉल्व करोगे तो 3 अपॉन 4 दैट इज द 0.75, 2 अपॉन 3 आ रहा है, 2 अपॉन 3 नॉट 3 अपॉन 4, 2 अपॉन 3 आ रहा है, तो दिस इज 0.67, ठीक है, 2 अपॉन 3 आ रहा है तो 0.67 आ जाएगा, दैट इज द पी वैल्यू, एंड जब ये आ जाएगा तो क्यू वैल्यू आ जाएगा 0.1 माइनस पी दैट इज द 1 माइनस 0.67, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.33, इज इट क्लियर।
If your dream is to clear the CSIR NET Life Science, I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or VirenLife to get the 10% discount. Let's crack it. हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।